नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करुछि मु बापी खबर आरंभ करबा आज रो टॉप हेडलाइंस रु प्रकाश पाइला युक्त दुई कट ऑफ मार्क विज्ञान रे रेवेन्सा वाणिज्य रे बीजेपी कळा रे घसीपुरा सबुठ आगरे जुलाई 2 रु 5 भितरे नाम लेखाइबे छात्र छात्री महाबळ बाघ पई आसिला बाघुणी सात कोसिया रे आउ एक एनक्लोज रे छडा गला बाघुणी को सात कोसिया सह खाप खुआइला परे जंगल रे छडा जीव आजिठ अनशन दर्शन रत्न सिंहासन छाड़ी अनशन घरे श्रीजीव सेपटे अलरनाथ पीठ से दर्शन देले महाबाहु एबे भी कमिनी नागराज को आतंक गोटे परे गोटे गाँव उद्धार होउछि नागछुआ सेपटे पुरी सत्यवादी बुढ़ा केरा रु 15 रु ऊर्ध नागछुआ को धरला स्नेक हेल्पलाइन जी फ्राइडे रिलीज रे परदा को आसिला संजू संजय दत्त को जीवनी ऊपर आधारित फिल्म संजू संजू भूमिका रे नजर आसिबे रणबीर कपूर भारतीय पानी पाकर सूचना ओडिसा रु विदाय नला मौसुमी 3 तारीख जाय राज्य रे हेबोनी मौसुमी वर्षा सेपटे 5 टी जिला को काला बैसाखी सतर्कता जारी कला पानी पाक विभाग एबे संपूर्ण खबर प्रकाश पाइला युक्त दुई नामलेखापी प्रथम पर्याय कट ऑफ मार्क विज्ञान वाणिज्य और कलापी एक कट ऑफ मार्क प्रकाश पाई विज्ञान में 88.83% सह रेवेन्सा आगे रही 88.33% बीजेपी कॉलेज द्वितीय स्थान रही ब्रह्मपुर सरस्वती विद्यामंदिर नीलकंठ नगर 88% तृतीय स्थान में रही सेहीपरि वाणिज्य 78.2% सह शीर्ष रही बीजेपी कॉलेज द्वितीय 77.17% रही रेवेन्सा कलार प्रथम स्थान रही घसीपुरार पतित बावन कॉलेज एठार कट ऑफ मार्क रही 78.67% हाटडीहर साडंग आंचलिक कॉलेज द्वितीय स्थान रही यार कट ऑफ मार्क रही 73.50% 73.40% सह बीजेपी तृतीय और 72% सह रेवेन्सा चतुर्थ स्थान रही सरीचे स्नान पूर्णिमा रत्न बेदी स्नान बेदी को आसी 108 घर सुभाषित जल में स्नान करिछंती श्रीजू आउ एहापर ज्वर से पीड़ित हो अनशन घर को जिबे महाप्रभु एही समय रे श्रीजू को दर्शन करिपारिबे नाही भक्त तेणु अनशन घरे श्रीजू 15 दिन रहिबा समय रे भक्त माने ब्रह्मगिरी जाए श्री अलरानाथ को दर्शन करिथांती ओडिया परंपरा एवं भक्त विश्वास अनुजाई एही 15 दिन श्री अलरानाथ को दर्शन कले चतुर्धा मूर्ति दर्शन सफल मिलिथाए आसंता काली ठारु श्री अलरानाथ दर्शन पई लक्षाधिक श्रद्धालु भिड़ लगे तेणु भक्त मान सुरक्षा प्रशासन पक्षर व्यापक प्रस्तुति शेष पर्यायर पहुंची भक्त मान सुरक्षा प्रथम थर 9 सीसीटीवी कैमेरा मंदिर चारिपटे लगी केवल से नुहे भक्त श्रृंखलित दर्शन और प्रसाद सेवन उपर गुरुत्व देती प्रशासन श्री अलरनाथ अणशन दर्शन सेवायत निजक स्वतंत्र भाव में भोर 4 मंदिर द्वारा फिटा जावा 4:30 मंगल आरती हेबो सकाळ 6 बेस और चंदन तुलसी लागि हेबो सकाळ 6 गोपाल वल्लभ पर 7 सर्वसाधारण दर्शन आरंभ हेबो मध्याह्न 12 सकाळ धूप हेबाक थिबा बळे अपराह्न गोटाए दीपर धूप होई गोटाए 30 पहड़ हेबो पर अपराह्न 2 सर्वसाधारण दर्शन आरंभ होई संध्या 7 संध्या आरती हेबो 7:30 मैलम राति 8 सर्वसाधारण दर्शन राति 11 संध्या धूप एवं 11:30 बड़ सिंगार हो पहड़ नीति होबार कार्यक्रम रही मध्यप्रदेश आनी ओडिशार सातकोशिया रखा जाता महाबल बाघ महावीर पर आसला सुंदरी बांधवगड़ जातीय उद्यन आज बाघुणी सुंदरी को सातकोशिया अणा जाए बांधवगड़ जातीय उद्यन सबुठ आकर्षण बाघुणी सुंदरी को ट्रांकुलाइज करवाशा स्थानातर कर सातकोशिया प्राय 2 हेक्टर अंचल सुंदरी स्वतंत्र एनक्लोजर कर किद अनुधान कलापर बाघुणी को जंगल भितर को पुणी छड़
राज्य सरकारों बंदे उत्कल जननी को राज्य संगीत मान्यता देवार उद्यम को बरदास्त करा बोली कोशल समन्वय समिति जनाई समिति यह विरोध कर आगामी दिन में आंदोलन करने को धमक देप्रेक्षी में कोशल समन्वय समिति पक्षर जिलापा अफिस् सामने एक धारणा दि जाए कोशल और कलिंग उत्कल को सदा सर्वदा बाकी अंचल जबरदस्ती लदि दिखा अभियोग कर समन्वय समिति पक्षर उत्कल जननी कुशपुतलिका दाह कर मुख्यमंत्री उद्देश्य से बलांगीर जिलापा एक स्मारक पत्र प्रदान कर पुरुणा कटक रेंज धलपुर गाँव में जंगली भालू आक्रमण में महिला गुरुतर होती गुरुतर अवस्था प्रथमे बौद्ध एवं परे बुर्ला डाक्तरखाना को स्थानांतर कर धलपुर ग्रामर प्रभासेन महाकुड़ नामक महिला आज सका शौच होगापी जाता बेले भालुटी आक्रमण कर ढेंकनाल गौंदिया पंचायत समिति ठारे आम गाँ आम विकास कार्यक्रम अनुषित हो गौंदिया पंचायत समितर 29 पंचायत विभिन्न ग्राम को मुख्यमंत्री सीधा प्रसारण मध्यम 298 प्रकल्प को 6,80,00,000 टंका मंजूर करिछंती तेबे आम गाँ आम विकास कार्यक्रम में ढेंकनाल अनुगुल सांसद तथागत शतपथी विधायक सरोज कुमार पात्र प्रमुख उपस्थित थे तेज प्रकल्प गुडी को ब्लक अध्यक्ष गीतांजलि भूया उपस्थापना करते ढेंकनाल जिला प्रशासन एवं ऐरा स्वेच्छासेवी अनुष्ठान मिलित सहयोग में 2014 मसीहा ठारु मान्यवर सुप्रीम कोर्टर निर्देश क्रमे किन्नर मानकु समाज रे तृतीय लिंगर मान्यता दिया जाइछि समाज रे समानकर सामाजिक मर्यादा समन्वय विकास पाई उन्नति एवं विभिन्न अंतर्निहित प्रतिभार विकास पाई विभिन्न प्रतियोगिता करा जिवो तबे किन्नर मानकु नै ढेंकनाल रे 3 दिनिया कर्मशाला अनुष्ठित होइ जाइछि एथिरे जिलापाल अवनीकांत पटनायक उद्घाटन करबा सह सामाजिक सुरक्षा सामाजिक मर्यादा किभली समानकु प्रदान करा जाइ परिवो सेनि आलोचना करा जाइथिला सर्वोच्च न्यायालय आदेश पाइबा किन्नर मान गोटे स्वतंत्र परिचय सृष्टि एवं से राज्य सरकार विभिन्न योजना करछंती छुआ मान से केमती समाज में बंचिबे किभली भाव में भत्ता दिजिव समस्त प्रकार बंदोबस्त कराई से किभली सरकारी योजना पाइबे परिचय सृष्टि कर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम समस्त प्रकार अधिकार संपर्क जनवाई एक प्रकार बैठक आयोजन जो सचेतनता कार्यक्रम आयोजन कर साधारणतः जो तृतीय लिंग सामाजिक मर्यादा और समन्वय विकास कार्यक्रम जो 3 दिन धरी आयोजन कर मुख्य उद्देश्य हूँ किन्नर भौणी मानक मुख्य स्रोत में सामिल करवा एवं सेमानक भितरे जो अंतर्निहित कला अच्छी परिप्रकाश कराई धंदामूलक तालीम व्यवस्था करा कर सरकारी सुविधा सुजोग जहाँ अच्छी सामिल कर बहुत खुशी अच्छु एत बड़ मेघ वर्षा झड़ी बातर आम ये आसित अच्छा आ जो भाई मैंने आमको डाक आम संगठन एकजुट कर मोर धन्यवाद जनाऊँ आउ यही आम बहुत खुशी अच्छा कहवाक चाहिए ढेंकनाल किन्नर मैंने जमी आग को बढ़े जमी से मुख्य स्तर को पहुँची पारे से समाज में सामिल है कि समस्त मनुष्य पर बची पारे सेटा आमर वर्तमान जो कल्चरल प्रोग्राम आज भी राली थिला हे पार्लानी वर्षापाई आम दुखित तो, किंतु आम समस्ते चाहूँ ढेंकनाल के प्रभाव पड़ो किन्नर मैंने जमी इंटरेस्ट हे जो मैंने लुचिक रोचय दे पार ना से आम आसंता काली वर्षा निश्चित आम राली करूँ मैंने ढेंकनाल चारिड़े जमी प्रभाव पड़ो जयपुर कोटपाड़ा एटीएम लुट करने को उद्यम पंड करी कोटपाड़ा पुलिस कल विलंबित राति में कोटपाड़ा पुलिस पेट्रोलिंग करुवा समय प्राय राति 2:30 समय 6 जन दुर्बृत्त पंजाब नेशनल बैंक पछपटे एटीएम लुट करने को उद्यम करते हठात पुलिस चढ़ाव कर दुर्बृत्त को काबू करनेठार गोटे बोलेर गाड़ी 2 खंडा गोटे हाथुड़ी गोटे श्रेणी लुहा छड़ जबत कर पुलिस अतिरिक्त भारप्राप्त अधिकारी झरणा प्रधान नेतृत्व में लुटेरा ग्यांग को धरवे सक्षम होते समस्त दुर्बृत्त को लुट उद्यम मामला रुजु कर कोर्ट चालन कर आकाशे भसा बादल एणे आषाढ़ मास है चाष जमी प्रस्तुत सारी चाषी सहल धान बुणवा और तली पकेबा तरतर होता बेले एणे कृषि कार्यालय किंवा समवाय समिति को पहुंची पारे ना सरकारी बिहन धान राज्य सरकार चाषी विभिन्न योजना करुवा बेले समवाय आपण द्वारे कार्यक्रम जरिया चाष जमी को ठीक समय बिहन सह सार जगैदे कथा कहता राज्य सरकार को तथा कथित तो नेता मैंने चाषी मान केवल प्रतिश्रुति में सीमित रोता बेले चाषीर दरकार आवश्यकता को पूरण करेप नौन चाषी मैंने अभोग कर
କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଇବା ପରେ କିନ୍ନରମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କର ସେମାନେ କେମିତି ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ସେମାନେ କିଭଳି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇବେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ବୈଠକର ଆୟୋଜନ ଯେଉଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଯେଉଁ 3 ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କିନ୍ନର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କଳା ଅଛି ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ତାଲିମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇକରି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ସେଥିରେ ସାମିଲ କରିବା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଏତେ ବଡ଼ ମେଘ ବର୍ଷା ଝଡ଼ି ବାତ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇଠି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ଡାକିକି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆମର ସଂଗଠନ ଏକଜୁଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଢେଙ୍କାନାଳ କିନ୍ନରମାନେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ସେମାନେ ବି ସମାଜରେ ସାମିଲ ହୋଇକି ସମସ୍ତ ମଣିଷ ପରି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ସେଇଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆଜି ବି ରାଲି ଥିଲା ହୋଇପାରିଲାନି ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ ଢେଙ୍କାନାଳର କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କିନ୍ନରମାନେ ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ଲୁଚିକି ରହୁଛନ୍ତି ବା ପରିଚୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବର୍ଷା ନହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ରାଲି କରିବୁ ମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେମିତି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଖଲିଆପାଲି ଶିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କଳାମୁଣ୍ଡା ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୃଷି କଲ୍ୟାଣ ଅଭିଯାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅମ୍ରିତା ସାହୁ ସରପଞ୍ଚ ମାଧବ ସାହୁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ନିରବତୀ ସାହୁ ସହକାରୀ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଗ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନେ କିପରି ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଥିବା ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଏ ଅବସରରେ 100 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆମ୍ବ ଓ ଲେମ୍ବୁ ଚାରା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ବିଳମ୍ବରେ କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଅଶାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ପାଲ ଲହଡ଼ା ଟାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉଦିତନଗର ଛକଠାରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଜଣେ 12 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତେବେ ବାରକୋଟ ବ୍ଲକ ରାଜ୍ୟ ମୁମ୍ବୁଡ଼ାଇ ଗ୍ରାମର ଭାସ୍କର ମହାନ୍ତ ତାଙ୍କର 12 ବର୍ଷ ଝିଅ ଚୁମୁକି ମହାନ୍ତ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର